हेलो स्टूडेंट्स, आइए सीखें सी के प्रोग्राम की बेसिक स्ट्रक्चर, कैसे सी का प्रोग्राम लिखना है। सबसे पहले हमें हैश इंक्लूड एसटीडीओ डॉट एच लिखना है, फिर कॉनियो डॉट एच लिखना है, और फिर वाइड मेन। वाइड मेन के बाद हमें कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हमें सी के प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स लिखनी है जो हम लिखना चाहते हैं इसके बीच में, और फिर लास्ट में हमें गेट सी एच फंक्शन लिखना है। गेट सी एच फंक्शन हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब भी हम सी के प्रोग्राम को चलाकर आउटपुट देखते हैं तो आउटपुट क्विकली आ जाता है और हमें कई बार स्क्रीन पे दिखाई नहीं देता, तो हम चाहते हैं कि हमारा आउटपुट कुछ देर रुके, तो गेट सी एच फंक्शन आउटपुट को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे प्रोग्राम में कहीं पे भी लिखा जा सकता है, और ज्यादातर इसे लास्ट में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि क्विकली आउटपुट दिखा के सी का कंपाइलर वापस हमारे प्रोग्राम में ना आए, तो रुके रहे जब तक हम आउटपुट देखकर वापस नहीं आ जाते, और जब तक हम कोई बटन नहीं प्रेस करते तब तक गेट सी एच फंक्शन हमारे आउटपुट को रोके रखता है। और इस स्टेटमेंट के बाद हम कर्ली ब्रैकेट एंड करते हैं प्रोग्राम की। तो जब भी सी का प्रोग्राम रन किया जाता है तो उसे कंट्रोल F9 प्रेस करके रन किया जा सकता है। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।